वेलकम यू ऑल। तो हमने यहाँ तक इससे पहले वाली वीडियो में देख लिया था, ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए थे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि डीजनरेटेड और नॉन डीजनरेटेड कॉनिक्स कैसे होते हैं, और उनका फुल्ली एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने यहाँ तक किया था। देखिए, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो हम ये कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किए हैं टॉपिक, इसमें दो पार्ट है। मतलब पार्ट कैसे हैं, पार्ट वन पार्ट टू ऐसा है कि कुछ सिलेबस तो 11th तक का लिमिटेड है। मतलब 11th लेवल के जो सिलेबस है आपका, जैसे बहुत छोटा छोटा इंट्रोडक्शन है 11th का, जैसे आज स्टार्ट कर रहा हूँ मान लीजिए सर्कल, तो सर्कल का सिर्फ जनरल इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं JEE IIT का सिलेबस देखूँ तो उसका सिलेबस काफ़ी लंबा है, उसमें टेंजेंट, कॉर्ड, सेकेंड और सर्कल के वेरियस फॉर्म, वो सारी चीज़ें भी आती हैं। तो उस सिलेबस को कम्प्लीट करने के लिए टाइम भी चाहिए, तो या तो एक प्रोसेस हो या फिर दूसरा हो कि वीडियो की लेंथ क्या हो, लंबी हो। तो अक्सरतर मैं ऐसा देखता हूँ, देखिए अगर एंटरटेनमेंट की वीडियो हैं या किसी जनरल नॉलेज या GS या ऐसे कोई वीडियो हैं तो उनको छोटी लेंथ में बना के प्रिसाइज दिया जा सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे टॉपिक्स को समझने के लिए आपको टाइम देना ही होगा और उन वीडियोस को कम्प्लीटली देखना ही होगा। हमारी भी मतलब एक सबसे बड़ी वो है कि हम 10 मिनट में टॉपिक को समझा तो सकते हैं, लेकिन एनिमेशन और इन चीज़ों के थ्रू जल्दी आता है। बट अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसकी थ्योरी को समझना है, तो वो लेंथ लंबी होती है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। अगली चीज़, मैं 11th का जितना भी सिलेबस है, चाहे एलिप्स है, पैराबोला है, कोई भी होगा, उसको मैं कवर करके फिर मैं JEE का सिलेबस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। इसी में उसका एडवांस मतलब काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है JEE का, तो मैं प्लेलिस्ट अलग अलग क्रिएट कर दूंगा, 11th का अलग क्रिएट कर दूंगा और JEE का अलग कर दूंगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, एकदम पेशेंस के साथ, एकदम ध्यान से आप सुनते रहिए किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल आपके माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस चीज़ों को आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल देखते रहना है कि हो कैसे रहा है, ठीक है ना। ओके, चलिए। तो डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूँ सर्कल। तो सर्कल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके दिमाग में सर्कल को सोचकर क्या इमेज आती है, सर्कल मतलब क्या, कैसी शेप है? तो ऑलरेडी आप लोग क्लास सिक्स से, आई थिंक सिक्स फिफ्थ से, आपने सर्कल जैसा शेप एक देखा होगा, राउंड शेप में सर्कुलर, मतलब आप नेम सुने होंगे। एक्चुअल सर्कल क्या है, एक टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 2D ज्योमेट्री है। ये मैंने लिखा हुआ है प्लेन, मतलब ये क्या है, एक प्लेन है, ऐसा कोई भी वर्टिकल प्लेन हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो, किसी भी टाइप का एक प्लेन है, उस प्लेन पर ये शेप आपको बनी हुई मिल रही है। एक्चुअली दिस इज सर्कल। तो सर्कल होता क्या है, उसके पास एक फिक्स्ड सेंटर है, मतलब एक फिक्स्ड सेंटर है और कुछ पॉइंट्स हैं जो ज्वाइन कर दिए गए हैं। बट एक्चुअल में अगर मैंने ये डिफिनेशन बताई है, बट एक्चुअल में अगर मैं इस फिक्स सेंटर से इस छोटे छोटे पॉइंट्स में इसे कन्वर्ट कर दूं, आप ये मानिए कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और ये सेंटर है, तो इन सभी पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस सेंटर इज कांस्टेंट, यानी इस सेंटर से ये पॉइंट है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज P1, दिस पॉइंट इज P2, दिस पॉइंट इज P3, ऐसे ही टोटल कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का ये जो सेट है इस प्लेन पे, और ये सभी पॉइंट्स इस फिक्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज a, स्मॉल a, दीज ऑल पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर। So the curve which is obtained on a plane by joining the fixed center and the point which are equal distance, that curve is known as the circle. So what is circle? Circle is a set of all points in a plane that are equal distance from the center to this point. ये सभी points क्या हैं? Equal distance पे होंगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? Circle. C हो गया हमारा फिक्स्ड पॉइंट, एंड P क्या है? मूविंग पॉइंट। व्हाट डज इट मूविंग पॉइंट? C को आप फिक्स रखिए, इस पॉइंट P को यहां लेने के बजाय आप एक पॉइंट यहां लीजिए और यहां से एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करिए, तो आपको क्या मिलेगा? एक दूसरे रेडियस का सर्कल। फिर आप इस पॉइंट को इनसाइड ले लीजिए, अंदर ले लीजिए, तो आपको फिर अलग, मतलब
you will get a different radius of a circle by moving this point P on the plane anywhere if you want to do. बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये पॉइंट और सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए. यहां तक बात क्लियर है? नेक्स्ट, इस चीज से आप लोग वाकिफ होंगे, ये क्या है? कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहां पर क्या होता है? ओरिजिन. ओरिजिन मतलब सेंटर, जिसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कॉमा वाई. तो ये क्या हो गया? 0, 0. अब ये जान लीजिए, हम लोग 11th का जो सिलेबस है हमारा, उसको कवर करने की कगार पे हैं. वो ये है कि हमें इस सर्कल की इक्वेशन पता लगानी है कि एक्चुअल में सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी. तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लेटर से सेंटर का कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के. लिखते हैं ना हम लोग एक्स वाई, लिखते हैं ना, जैसे एक्स कॉमा वाई लिखा हो 3, 5. तो इसका क्या मतलब होता है कि एक्स एक्सिस पे हमें कितना डिस्टेंस चलना है? 3. वाई एक्सिस पे हमें कितना डिस्टेंस चलना है? 5. तो उसी तरीके से एक रैंडम सर्कल मैंने प्लेन पे बना दिया है, और उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है एच कॉमा के. ये हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट सिस्टम है. और जो वो पॉइंट पी है उसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पी का जो है, वो हम ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई. गौर से सुनिएगा बात, मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारा हो गया एच, यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा? एच. और ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा? के. ये एच है और ये क्या हो गया? के. ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस हमारा कहलाएगा x, और ये वाला टोटल डिस्टेंस, सॉरी, यहां से लेकर यहां तक यही हो गया x, और ये क्या कहलाएगा? y. यहां तक बात समझ में आई? नाउ लेट मी वन थिंग क्लियर, व्हाट डज दिस ओपी, ये क्या होगा? ओपी क्या है आपका? या ओ लिखने के बजाय ओ मैंने लिख दिया है, एक काम करिए इसको सी लिखिए, सेंटर सही रहेगा. सी से लेकर पी, सीपी कनॉट प्लेस, हाँ, सीपी जो डिस्टेंस है, ये क्या है? सर्कल की रेडियस है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अगर डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10th में क्या था? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. स्ट्रेट लाइंस में भी आपने पढ़ा होगा x2 - x1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर. ये क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है. तो इन दिस वे वी कैन राइट x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर. ध्यान से देखिएगा, x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी मैंने यहां रूट नहीं लगाया है, ये रूट अगर मैं हटा दूं तो मुझे इस तरफ क्या लिखना पड़ेगा? डिस्टेंस का स्क्वायर. ये क्या लिखना पड़ेगा? डिस्टेंस का स्क्वायर. वैसे ही अगर रेडियस a हो, अगर ये लेंथ a हो, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? a स्क्वायर. एंड माई डियर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, और इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. इससे आपको अलग अलग केसेस के कोई भी सर्कल आप डिराइव कर सकते हो. यही हमारा इक्वेशन है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. तो चलिए मैं आपको अब यहां पर फाइनल पॉइंट बता रहा हूं कि h and k क्या हो गया? सेंटर ऑफ द सर्कल. आपको जब भी सर्कल आएगा तो उसको आपको क्या मान लेना है? सेंटर ऑफ द सर्कल. नाउ a इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ सर्कल हूज सेंटर इज 2, -3 एंड रेडियस इज 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. हमको क्या करना है? एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर कितना दिया है? 2, 3. तो ये क्या हो गया? h, k. और रेडियस कितना दिया है? 5. दैट्स मीन a कितना दिया है? 5. तो
तो हमको इक्वेशन बतानी है, तो इक्वेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। तो व्हाट इज फॉर्मूला, एक्स माइनस एच की वैल्यू कितनी है 2, तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, फॉर्मूले में ऑलरेडी होता है y माइनस k की वैल्यू कितनी है -3, ध्यान रहे k की वैल्यू कितनी है -3, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा +3, और फिर इसका क्या कर देना है होल स्क्वायर। नेक्स्ट a का स्क्वायर, व्हाट इज a, a इज 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देख लेंगे। नाउ a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 जा 4x, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, इतना तो आइडिया होगा ही। वाई स्क्वायर प्लस 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू 25। तो ये हो गया, सबको सेट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, 9 प्लस 4 13, टेक माइनस 25 दिस साइड, तो 9 + 4 = 13 माइनस 25, आंसर किस में आएगा माइनस में, इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया सर्कल का, इस सर्कल का। तो ये है सर्कल की इक्वेशन। तो देखिए इसमें क्या आया है, पावर मैक्सिमम कितनी है 2। अगर इसी क्वेश्चन में कह दिया जाता कि इफ x जो हमारा सेंटर है h कॉमा k वो है 3 - 3 और रेडियस आपको दे दी जाए, रेडियस की जगह a लिख के दे दिया जाए 4, तो आप इक्वेशन बना लेंगे, क्या लिखेंगे x माइनस h की जगह क्या लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 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 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यही इक्वेशन होगा। बस आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाए। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर है। तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज जो 11.1 है, एनसीईआरटी का 11.1 है, वहां पे पहला क्वेश्चन यही दिया हुआ है, सेंटर दिया है रेडियस दिया है, फिर सेंटर दिया है रेडियस दिया है, तो ऐसे सेंटर और रेडियस को लिख कर आपसे सर्कल की इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आई होप यहां तक क्लियर है आप लोग को। चलिए इस क्वेश्चन में, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 का सेवेंथ क्वेश्चन है, जब जेडब्ल्यूई का सिलेबस कराऊंगा ना जेडब्ल्यूई, तो इन सब चीजों के बारे में डायरेक्टली आपको फॉर्मूले भी होंगे और आपको समझ में भी आएगा हाँ कैसे चीजें हो रही हैं, मतलब जबरदस्ती का कोई चीज नहीं है, सब चीजों का एक डायरेक्ट। हम एक्चुअल में अगर आप देखें जो हमारा सर्कल का इक्वेशन है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर किस फॉर्म में इक्वेशन लिखा गया है a माइनस b, मतलब एल्जेब्रिक जो आइडेंटिटी था a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस, तो एक्चुअल में इस चीज़ को भी, इस इक्वेशन को अगर मैं बिल्कुल इस फॉर्म में बना लूँ, हमें इस इक्वेशन में क्या पता लगाना है आपको मालूम है, हमें ये बताना है सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है इसके अकॉर्डिंग, रेडियस क्या है इसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज कर दें, इसको इस फॉर्म में चेंज कर दें, तो हम आसानी से कंपेयर करके h और k की वैल्यू निकाल सकते हैं, कंपेयर कर लेंगे ना। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को एक साथ रखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों, इसको एक साथ रखो, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y को एक साथ कर लो, बचा क्या हमारा माइनस 45 ना, इसको ऐसे ही रहने तो इक्वल्स टू 0 लिखो। देखो ये रहा ए स्क्वायर माइनस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 जा, यानी देखो समझो ए स्क्वायर माइनस 2ab, b की जगह पे कौन आ रहा है 2, तो फॉर्मूले में क्या होता है b स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर माइनस 2ab तो मिल गया, लेकिन b की जगह पे कौन है 2, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर, हमने ऐड किया है ना
तो हम इसको एक साथ रखते हैं और 2 का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। नेक्स्ट y स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 8 को मैंने क्या लिखा है 2 4 जा 8, प्लस b क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और 4 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इज इक्वल टू, इस 45 को उधर लेके चला गया तो प्लस 45। यहां तक बात समझ में आया? नेक्स्ट ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये देखिएगा 2 2 जा 4 माइनस 4, 4 4 जा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 45। फ्रॉम हियर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 4 20, और उस तरफ ले जाएंगे तो 45 प्लस 20 ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर 5 4 प्लस 2 65। ये आ गई इक्वेशन, तो हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और एक्चुअल फॉर्मूले में होता है a स्क्वायर, तो मैं 65 को ऐसे लिख नहीं सकता क्या, रूट 65 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना, रूट 65 का होल स्क्वायर। तो जरा कंपेयर करिए आप, अब आप कंपेयर करिए एक्चुअल x माइनस एच के होल स्क्वायर से प्लस y माइनस एच के होल स्क्वायर से इज इक्वल टू a स्क्वायर से, आपको खुद ही पता चल जाएगा h की जगह पे कौन है, h की जगह पे कौन है, h की जगह पे कौन है 2, y की जगह पे कौन है सॉरी k की जगह पे कौन है 4, तो सेंटर क्या हो गया 2, 4, रेडियस a की जगह पे कौन है रूट 65। यस, ये था आपका क्वेश्चन। देखिए मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, हमारा जनरल इक्वेशन ये है, हर हाल में अगर मान लो ऐसा आपका फाइनल बन के आ रहा है x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ऐसा कुछ बन के आ रहा है, तो वहाँ पे h इक्वल टू 5 मत लिख देना, क्योंकि इसको फिर से सुधारना पड़ेगा, हमें एक माइनस यहाँ ओरिजिनल चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन माइनस यहाँ होना चाहिए, तो कितना है प्लस, इसको माइनस लिखा तो 5 को क्या लिखना पड़ेगा माइनस 5, इक्वेशन चेंज भी नहीं हुई, माइनस माइनस प्लस, तो अब h की जगह पे एक्चुअल में कौन आएगा आपका आंसर माइनस 5, और k की जगह पे कौन 4, तो ये होगा आपका सेंटर ऑफ द सर्कल। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मैं कह रहा हूं कि मैं तो करा ही दूंगा, 2-3 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए, इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज को करिए और आपका कॉन्सेप्ट फुल्ली क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को समझते चले जाइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासिंग थ्रू 4, 1, मतलब हमको एक सर्कल की इक्वेशन बतानी है, ये सर्कल है इसकी इक्वेशन बतानी है, और ये कहीं 4, 1, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 4, 1, आप ऐसे मान लीजिए आप पॉइंट 4, 1 और कहीं पे 6, 5, ऐसा 6, 5 से ये पास कर रहा है, मतलब इसको पॉइंट ले लीजिए P और इसको ले लीजिए Q, ये पॉइंट PQ से पास कर रहा है, और इसका जो सेंटर है ना वो 4x प्लस y इक्वल टू 16 पर लाई कर रहा है, लेट अस सपोज कोई एक लाइन है 4x प्लस y इक्वल टू 16 और इसी पर इसका सेंटर है, ये लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस y इज इक्वल टू 16। एक्चुअल डायग्राम पे नहीं जाना है कि हाँ ये लाइन ऐसे कैसे बना दी, ये पॉइंट्स ऐसे कैसे लिख दिए एट रैंडम, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका जो पेरीमीटर है सर्कमफ्रेंस है वो 2 पॉइंट से जा रहा है और ये लाइन इसके सेंटर से होते हुए जा रही है। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस एच का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये है हमारे किसका फॉर्मूला, सर्कल की इक्वेशन का। अब मुझे ये बताओ, अगर ये इस सर्कल का इक्वेशन है तो पक्का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो 4,1 है इसको सेटिस्फाई करेगा, करेगा या नहीं करेगा? 4,1 मतलब मैं इस एक्स की जगह 4 रख दूं और इस वाई की जगह 1 माइनस के रख दूं तो सेटिस्फाई करना चाहिए। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन जो कि एच के और ए के फॉर्म में है, क्योंकि हमें यही तीन चाहिए। एच के और ए मिल गया तो हमारा काम हो ही जाना है। फिर हम एच की जगह पे लाके वैल्यू के की जगह पे और ए की जगह पे रख देंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गया। नेक्स्ट, यही सर्कल 6,5 से भी तो पास कर रहा है, तो ये हो गया 6,5 देखो मजेदार है या नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं बोलो यार। मजा ना आ रहा हो तो फिर पहले तो फिर गाना वाना गा लें, फिर गाना वाना गा के पढ़ाई में मजा करने में बहुत अच्छा लगता है। गाना वाना गा लेते हैं कोई बढ़िया से, नहीं तो आप ही लोग सजेस्ट करिए कौन सा गाया जाए। ये हो गया दोनों इक्वेशन। आप मुझे ये बताओ, ये दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा इसका, इक्वल होगा। अगर लेफ्ट हैंड सॉरी आरएचएस इक्वल है आरएचएस, तो एलएचएस भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ऐसा करने से हमको क्या फायदा मिलेगा? ऐसा करने से हमको ये फायदा मिलने वाला है माय डियर कि पूरी इक्वेशन एच और के फॉर्म में बदल चुकी है। ये पूरा इक्वेशन एच और के फॉर्म में। अब आप इसको एक्सपेंड करना हो तो एक्सपेंड कर लीजिए, नहीं तो और एक तरीका है। चलो देखिए भाई, आपके भी बुक में ये पूरा सॉल्व नहीं किया है, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। आपको एक बार समझना है केयरफुली, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड आ जाने के बाद मैंने एलएचएस को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। देखो इसके बाद से मैंने स्टेप कैसे किया है, एच वाला टोटल टर्म मैं इधर लाया तो ये पूरा इधर लाया तो क्या हो गया माइनस, और के वाले को उधर ले गया तो क्या हो गया माइनस। तो ये एच वाला अब एक साइड हो गया और के वाला एक साइड हो गया। आप गेस करके बता सकते हो यहां मैंने क्या लिखा हुआ है। आप इस टोटल को मानिए कंप्लीट ए, आप ऐसा मानिए कंप्लीट ए, तो ये बन गया ए स्क्वायर, और इसको मानिए आप कंप्लीट बी, तो ये हो गया बी स्क्वायर। तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इन अ ब्रैकेट ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर इधर भी ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर आप इसको ओपन करेंगे ना तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा इक्वेशन बनेगा और सबको कैंसिल आउट करने में काफ़ी दिक्कत होगी। बस ये स्टेप आप फिर इधर देखिए, 4 + 6 = 10, माइनस एच माइनस 2h, 4 - 6 - 2, और माइनस एच ये माइनस एच इसको क्या कर देगा प्लस एच, तो एच एच कैंसिल। सिर्फ सुनिए मत, जब आप खुद करेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ मैंने किस तरीके से किया है। और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनल इक्वेशन आती है एच माइनस टू के इक्वल्स टू माइनस वन। ये आपकी पहली इक्वेशन है। यहां पर दो वेरिएबल हैं एच और के, तो इनको भी सॉल्व करने के लिए हमें दो वेरिएबल का एक और इक्वेशन चाहिए। तो घबराने वाली बात नहीं है, वो दिया है। ये देखो इस लाइन को पढ़ो, सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन पे। सेंटर है कौन, एच कॉमा के, तो एच कॉमा के इस पे लाई कर रहा है तो पक्का इसको सेटिस्फाई करेगा 4h + k = 16। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। बस इसको और इसको सॉल्व कर दो, आपका झमेला खत्म, आंसर सामने। चलिए देखिए, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं किया होगा बच्चों आप लोगों ने, या मैंने भी अगर कहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है किया है, तो मैंने बताया था कि एक इक्वेशन ये है और दूसरी ये है, दोनों को मैंने यहाँ रख दी। मैंने क्या किया है, एलिमिनेशन मेथड लगाया है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 = 8h, 2k, 16 × 2 = 32, के कैंसिल, 8 + 1 = 9, 32 - 1 = 31, h की वैल्यू कितनी आ गई 31/9।
इस h की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन या इनमें से आप जहां रखना चाहते हो वहां रख दो और वहां से k निकाल लो, k आ जाएगा 20/9। देखो चैलेंजिंग काम जो था h और k मिल गया। नेक्स्ट वर्क ये है a निकालना। a मतलब क्या है? रेडियस। आप मुझे बताओ क्या ये रेडियस नहीं होगा? यही तो रेडियस बनेगा, सॉरी p, यही तो क्या बनेगा? रेडियस बनेगा ना। सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस ही क्या होता है? रेडियस। तो आप 6, 5 और h, k आप निकाल चुके हो, इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूले से आंसर निकाल लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से वो आपका रेडियस आ जाएगा। a, a का स्क्वायर कर देना और इसको सॉल्व कर लेना, फाइनल आंसर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x - 8y प्लस 15। देखो सॉल्व करना एक अलग बात है, पहले क्वेश्चन को समझना और फिर अप्रोच करना। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिंग थ्रू 4, 1 and 6, 5 एंड द सेंटर लाइज ऑन लाइन 4x + y = 16। अगर ये क्वेश्चन आ गया सामने तो सॉल्व करना तो चलो बात की बात है, पहले समझना, अंडरस्टैंडिंग तो आनी चाहिए ना, हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो अप्रोच यही था कि सर्कल के दो पॉइंट्स हैं, इक्वेशन में रखो एक्स और वाई की जगह, इन पॉइंट्स को दो इक्वेशन बनेगी, उनको एलिमिनेट करो, एच और के फॉर्म में एक इक्वेशन निकालो, फिर उनके सेंटर एच और के लिए इसको सेटिस्फाई कराओ और एक इक्वेशन बनाओ। ये फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो, एच और के निकालो, जैसे ही एच और के आएगा तो इनके और इनके बीच या इसके और इसके बीच के डिस्टेंस निकाल लो, दोनों इक्वल ही आएंगे क्योंकि रेडियस है ये। रेडियस जैसे ही मिलेगा एक्चुअल फॉर्मूले में रखें, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस पॉइंट। आज हम लोगों ने सर्कल को मोस्टली जो आपके सिलेबस में है, 11th का जो सिलेबस है, जनरल इक्वेशन है, रेडियस कैसे निकालेंगे, सेंटर कैसे पता लगाएंगे, सेंटर और रेडियस दिया हो तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो हम लोगों ने लगभग 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं, थ्योरी पढ़ लिया है। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और कंटिन्यू रहिए। JEE का सिलेबस इससे काफ़ी बड़ा और काफ़ी एक्सपेंडेड है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर। दिवाली खूब अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। थैंक यू।